हरे कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। बात करते हैं मार्केट्स की कल के लिए। अगेन वीडियो आज थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज मैं ट्रैवल में हूँ 2-3 दिन से, बट रेगुलर हो जाएगा टाइम वापस। तो आज अगर हम देखें तो देखो, हमने कल बात की थी कुछ चीज़ों की कि मार्केट थोड़ा सा भी डल रह सकता है और यहाँ पे धीरे धीरे 2-4 दिन अगर मार्केट डल रहेगा, फेड का इवेंट भी आ रहा है, तो बोलिंजर बैंड धीरे धीरे स्क्वीज होने लग जाएगा एंड देन हम वापस एक अच्छा ट्रेंडिंग मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट क्लियरली अप ट्रेंड में था, जिसमें ये मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता था मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। ये फिर निफ्टी का चार्ट है, सिमिलर चार्ट्स बैंक निफ्टी निफ्टी के होंगे एंड यहाँ पे जो एक टिपिकल अप ट्रेंड का पैटर्न होता है, जिगजैग पैटर्न बनाकर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। अब यहाँ पे नीचे आना शुरू हुआ है, बट एकदम से मार्केट ऐसा नहीं होता कि यू नो अप ट्रेंड एंड देन यहाँ से धड़ाम क्रैश। तो यहाँ पे जिगजैग पैटर्न अगर हम देखेंगे थोड़ा सा बनना शुरू हुआ है, नीचे गया है, ऊपर गया है, फिर नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मार्केट एक नया लो लगा देगा फ्यूचर में कभी भी, तो यहाँ पे इसके बाद इस एरिया के बाद डाउन ट्रेंड कन्फर्म हो जाएगा और यहाँ से फिर हम हर एक डिप पे लोग सेल करेंगे और नए नए लोस मार्केट पॉसिबल है कि थोड़ा बनाएगी। तो यहाँ पे जब तक कि अभी 23,500 जैसे फिर निफ्टी के लिए लेवल है, ये नहीं टूटेगा, यहाँ पे बड़ी सेलिंग का आने का चांस थोड़ा कम है। उसी तरह बाइंग के लिए अगर मार्केट को फिर से नया अप ट्रेंड हासिल करना है तो 23,800 है, 900 है, ये सब लेवल्स को क्रॉस करना पड़ेगा। इनके ऊपर जब मार्केट निकल जाएगा तो हम पॉजिटिव बोलेंगे। और हमने कल एक्सपेक्टेशन ये रखा था कि मार्केट पॉसिबिलिटी है कि ऊपर कॉल सेलर्स अभी बैठे होंगे, नीचे पुट सेलर्स बैठे होंगे और मार्केट को बीच में रखा जाएगा। तो आप देखोगे सुबह तो एक गैप अप खुल गया, खुल के नीचे आया, बट रेस्ट ऑफ द डे वॉज वेरी म्यूटेड, कोई खास नहीं था, बहुत छोटी रेंज थी और 70-80 पॉइंट की रेंज में फिर निफ्टी एक्सपायर हो गया। यहाँ पे ऑप्शन बायर्स को कोई खास मौका नहीं था। निफ्टी की बात करोगे तो निफ्टी में आपको ज़रूर एक स्लो एंड स्टेडी ये दिखाई देगा कि मार्केट में अप मूव आज के दिन में भी कंटिन्यू हुआ है। यहाँ पे निफ्टी हम लोग देखेंगे तो गैप अप खुल के थोड़ा सा नीचे आया, बट उसके बाद पूरा दिन धीरे 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 ऊपर ही बढ़ा है। तो निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, वहीं पे बैंक निफ्टी फिर निफ्टी थोड़े से अभी भी म्यूटेड है, अभी भी उतना दमखम इनमें नहीं दिखाई दे रहा है जितना देना चाहिए यहाँ पे। और ये थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट को यू नो डाइसी सिचुएशन में रखता है क्योंकि बैंक निफ्टी एक मेजर इंडेक्स है। अब हम कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी या बैंक निफ्टी की बात भी करेंगे, पर आप देखोगे अगर बैंक निफ्टी यू नो इतनी मशक्कत कर रहा है, इतने टाइम से लगा हुआ है, बट अपने लाइफ टाइम हाई के काफ़ी दूर है और इन सब एरियाज़ को ये पार कर ही नहीं पा रहा है। यहाँ से एक सेल ऑफ आया था, उसके बाद इसमें यहाँ पे ट्राई हुआ, फिर गिरा, फिर ट्राई हुआ, यहाँ पे फिर एक फॉल आ गया था, फिर ट्राई हुआ, अभी फिर रिसेंटली फॉल आ गया काफ़ी ट्राई के बाद, फिर ऊपर जा रहा है। बट यू नो निफ्टी स्टिल ओके, 1% अवे फ्रॉम लाइफ टाइम हाई, बैंक निफ्टी क्वाइट अ बिट फार अवे। यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग हो रहा है, फिबोनाची अगर आप ड्रॉ करोगे और ये हाई टू लो बनाओगे तो आप पाओगे कि 61% रिट्रेसमेंट लेवल और 50% लेवल, इसके बीच में बैंक निफ्टी इस टाइम पे रिजेक्शन खा रहा है। तो ये एरिया 50% 61%, ये एक क्रिटिकल एरिया है और इसके ऊपर जब बैंक निफ्टी निकल जाएगा तो हम डेफिनेटली मान पाएंगे कि भाई ये हमारा हाई था, ये एक लो लग गया, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकल जाएगा, इस एरिया के ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग एक क्लियरली पिछले ऑल टाइम हाई की तरफ या उसके भी ऊपर का टारगेट लेंगे। तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव होता है 52,000 रुपीज़ के ऊपर, 52,000 रुपये के ऊपर, और अभी मैक्सिमम कॉल राइटर इसी लेवल पे बैठे होंगे, 51,500 से लेके 52,000 तक डिफेंड करेगा कॉल राइटर। वो एक्सपेक्ट करेगा कि मार्केट इसी एरिया के अंदर जितना समय बिताए उतना अच्छा है और यहाँ पे ऑलरेडी कॉल राइटर को अच्छा खासा पैसा बन रहा है। पुट साइड की बात करें तो देखो अभी रिसेंटली एक सेल ऑफ आया था, उसके बाद मार्केट रिकवर किया, यानी लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी है। ये लेवल राउंड लेवल है 50,500 का, 50,500 का, 50,500 और ऊपर 52,000, और मार्केट खड़ी है एकदम बीच में, ठीक है। और हमने कल भी बात की थी, अभी कुछ दिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज रह सकता है, फिर सॉलिस्टिस वगैरह आ जाएगा, उसके बाद एक ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्ट कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ऊपर रेजिस्टेंस अभी काफ़ी दूर है, सपोर्ट भी नीचे काफ़ी दूर है, और इसके लिए यहाँ से ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट गिर के ब्रेकडाउन दे देना विल बी लाइक वेरी डिफिकल्ट। 700-800 पॉइंट में कहीं पे भी सपोर्ट मिल जाएगा या फिर बाउंस बैक आ जाएगा तो दिन खत्म हो जाएगा। उसी तरह रेजिस्टेंस तोड़ के एक ब्रेकआउट करना भी कल के लिए दिन में काफ़ी मुश्किल है। तो कल भी कोई बहुत बड़ा मूवमेंट ऑप्शन बायर्स को यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए ड्यू टू द सेम रीज़न। यहाँ पे सिंपल इतना हो सकता है, देखो आज का लो से हम थोड़ा ठीक ठाक डिस्टेंस ऊपर जाके बंद हुए हैं, ठीक है। अगर ये इस लो को गलत तोड़ता है बैंक निफ्टी तो यहाँ पे फिर एक थोड़ा सा सेलिंग आ सकता है, और ये 51,000 राउंड लेवल के भी पास में है। ये जो आज का लो है ये है 50,960 लगभग, और 51,000 राउंड लेवल भी है। तो अभी कल किसी कारण से 250 पॉइंट गैप डाउन खुल जाए मार्केट, ठीक है, और 51,000 को ब्रेक करे, 51,000 को ब्रेक करे, ध्यान रखिए मैं ये बोल रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए कि मार्केट 51,000 के आसपास खुले, आप शॉर्ट कर दो, मार्केट ऊपर बढ़ने लग जाए। अगर इसको ब्रेक करता है फिर वहाँ पे आपको एक 200 से लेके 300 पॉइंट 400 पॉइंट का एक अच्छा मूव, फास्ट मूव, मोमेंटम वाला मूव मिल सकता है। ऑप्शन बायर्स इस चीज़ पे
खास तौर पे ध्यान रखो, ठीक है। अगर आपको ऊपर के साइड पे बाइंग करनी है तो पहले तो 51,500 और ये 600, ये जो जोन है मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है, रेजिस्टेंस का काम कर चुका है, ये जोन को क्रॉस करना पड़ेगा और वो जोन भी अपने आप में यहाँ से 250-300 पॉइंट्स ऊपर है। और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि भाई 250-300 पॉइंट मार्केट भर के एग्जॉस्ट हो जाए। तो अगर कल ये फ्लैट खुला या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन गैप अप हल्का फुल्का खुला तो बहुत कम चांस होगा कि कल के दिन में ब्रेकआउट आए। ब्रेकआउट आना भी होगा तो हम यहाँ पे यू नो 2 बजे के बाद, मैं कल 12 बजे भी नहीं लिख रहा, 2 बजे के बाद प्लान करने को बोलूँगा आपको। अगर ब्रेकआउट आना भी होगा वो भी तब जब अगर 2 बजे के बाद बैंक निफ्टी 51,500 के ऊपर टिक रहा हो तो आप यहाँ पे एक सी साइड पे जीरो हीरो ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगेन जीरो हीरो इंट्राडे ये सब चीज़ों से याद आता है दोस्तों, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लैटिनम 2.0 जो कि मैंने वापस शुरू कर दी है, उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आप व्हाट्सएप 7801886205 पे करके भी उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो ये ओवरऑल दोस्तों व्यू है, ये सिनेरियो नज़र में आ रहा है। अभी यहाँ पे मैं बहुत एक्साइटेड नहीं हूँ, मैंने आपको कल भी बताया मैं सोलिस्टिस की वेट कर रहा हूँ। आज 10 तारीख हो गई है और 10 तारीख में और सोलिस्टिस है ऑलमोस्ट 21 तारीख को, तो यहाँ पे अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा बीच में, और इसमें बीच में 18 तारीख को फेड का इवेंट भी आ रहा है, रेट कट भी हो जाएगा, हर चीज़ पता पड़ जाएगी। तो यहाँ पे अगर कल के दिन में कोई डाउन साइड पर मूवमेंट आना होगा तो मैं 51,000 के नीचे वीकनेस नापूंगा। अगर कल मार्केट जैसा भी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि 50-40 पॉइंट हो सकता है गैप डाउन खुले, डाउ फ्यूचर्स भी और डाउ जोन्स भी थोड़ा सा माइनस में है, तो मैं यहाँ पे एक्साइटेड 51,000 के नीचे ही होऊंगा बैंक निफ्टी में। अब खुलते कहाँ पे वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के लिए आपको मैंने साफ साफ कहा था जिस फेवर में खुलेंगे उसी फेवर में ट्रेड करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। मैंने आपको साफ साफ कहा था कि अगर यही बंद हुए हैं गैप अप खुलते हैं तो थोड़ा बहुत डिप आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट हम बाइंग के फेवर में ही प्लान करेंगे। ये पॉजिटिव एरिया हो गया पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर और उसके नीचे नेगेटिव एरिया हो गया। सेम एडवाइस कल के लिए भी है, जो आज का क्लोजिंग प्राइस है उसके नीचे आप नेगेटिव हो गए और ज़्यादा नेगेटिव होना है तो आज के लो के नीचे हो गए। तो आज का अगर लो हाई और क्लोजिंग प्राइस तीनों लोगे तो आपको ज़्यादा नेगेटिव होना है आज के लो के नीचे, यहाँ पे आप डबल नेगेटिव हो सकते हो। पॉजिटिव होना है आपको आज के हाई के ऊपर, और यहाँ पे मार्केट जो बंद हुई है इस प्राइस के ऊपर खुलती है नीचे खुलती है उसी फेवर में ट्रेड करेंगे। ये नहीं होना चाहिए कल गैप अप खुल गया तो हम बड़ा शॉर्ट साइड पे सोचें कि वॉल आ जाएगा, या बड़ा गैप डाउन खुल गया तो हम बहुत बड़ी रिकवरी के लिए प्लान करें। जिस फेवर में खुलेगा उसी फेवर में ट्राई करेंगे ऑप्शन बाइंग का ट्रेड। एंड आपको कुछ मैंने यहाँ पे अपने माइंड में जो भी चीज़ें चल रही बताई है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हरे कृष्ण दोस्तों।